वो छुपे रहते हैं अपनी तन्हा जिंदगियों में, अपनी अपनी छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हुए। ढिंढोरा नहीं पीटते, पत्रकार नहीं जानते उनके घर का पता, लेकिन वो तो हमारे ही पड़ोस में, हमारे ही मोहल्ले, हमारे शहर में रहते हैं। हमारे हीरो हमारे आसपास रहते हैं, हम भी नहीं जानते उनको, क्योंकि अपने आप में खोई इस दुनिया में हम दूसरा बन के नहीं सोच पाते। वी कैन नॉट बिकम द अदर, किसी दूसरे के नजरिए से दुनिया को देख नहीं पाते। जैसे चलिए एक पल के लिए मैं ये कल्पना करता हूं कि अगर मैं लड़की पैदा हुआ होता तो मेरी दुनिया कैसी होती। बचपन में टॉफी भाई को मिलती, मुझको नहीं। नए जूते आने होते तो बेटा उसको स्पोर्ट्स डे में चाहिए ना, अगली बार तेरे आ जाएंगे, यही कहा जाता ना। मोहल्ले में निकलते वक्त पीठ पर मनचले लड़कों की कई जोड़ी नजरें भालों की नोक की तरह गड़ती और मां कहती, नजरें झुका के चला करना, तू उधर से जाती क्यों है, रास्ता बदल ले। फिर एक दिन मेरी शादी हो जाती और अपना घर, अपनी अलमारी, अपने बारामदे का मनपसंद कोना, अपना मनपसंद चाय का कप जिसे कोई और छू नहीं सकता है, अपनी माँ की गोद जिसमें रोया गाया सब किया, वो सब छोड़कर एक नया घर थमा दिया जाता। नई अलमारी, नए बारामदे का नया कोना, नया चाय का कप, नई माँ। लेकिन इन्हों लड़कियों के साथ एक बड़ी समस्या क्या है, ये फिर भी सपने देखना नहीं छोड़ती। चाहे ब्राउन पेपर चढ़ी कॉपियों पर गोद गोद के लिख दें, या माँ की साड़ी में गांठ बांध लें, या बस बाथरूम के शीशे के सामने सिसकते हुए खुद को याद दिलाती रहें, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ती। मैं सीखना चाहता हूं ये कला, मुश्किलों में भी सपने देखने की कला, छोटी छोटी जीत जीतने की कला। कहां से शुरू करूं अपनी दूसरी कहानी? देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक सोनभद्र से, वहां उस खेत से जहां एक नन्ही सी नई नई जन्मी बच्ची मरने के लिए डाल दी गई थी, एक बिना नाम की जरा सी बच्ची जिसका न वर्तमान था न भविष्य, जो बस मौत का इंतजार कर रही थी। कौन थी ये लड़की और इसके मौत के इंतजार में कौन सी बड़ी बात थी? हजारों लड़कियां मरी मिलती हैं रोज, प्लास्टिक की थैलियों में, कॉटन के झोलों में, लोहे के कूड़ेदानों में। या मैं दिल्ली के खूबसूरत सेंट्रल पार्क से शुरू करूं ये कहानी, जहां एक लड़की थकी हुई बैठी है, 890 किलोमीटर दूर अपने घर से भाग कर आई है और उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए हैं। या उस सुबह से, उस पार्क से शुरू करूं ये कहानी, जब वो लड़की एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही है, उस बड़े शहर में अपनी जगह बना रही है जहां वो अपने लिए किसी जगह की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन खेत में पड़ी उस नन्ही सी जान ने, जिसकी किस्मत में कोई अकेले एक वीरान ठंडे आसमान के नीचे मरना लिख गया था, उसने मरने से इनकार कर दिया। जिंदगी को बदलने वाले लम्हे कब किस भेस में आ जाएं ये पता नहीं चलता। उसे खेत से उठाकर एक बुजुर्ग महिला अपने घर ले गई और गोद ले लिया। माँ ने उम्मीदों को पालना सिखाया, सपने देखना सिखाया। एक सपना था जो प्रिया को जागने नहीं देता था, सोने भी नहीं देता था। उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। एक दिन ऐसा आया कि जब 12 साल की लड़की एवरेस्ट पे चढ़ी थी पूर्णा मलावत, तो मैंने उसको पेपर में देखा। वो भी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो मैं उसको देखी, मैंने कहा जब एक 12 साल की लड़की एवरेस्ट चढ़ सकती है इतना संघर्ष करके, तो फिर मैं क्यों नहीं चढ़ सकती। लेकिन जब तक इम्तिहान का ग्रहण न पड़े, शायद सूरज का बरस पूरा नहीं होता। एक दिन प्रिया की माँ की मौत हो गई।
अब उनका असली खून, उनका परिवार इस छोटी सी गोद ली हुई लड़की के खिलाफ हो गया। मेरे मामा के लड़के जिन्होंने मुझे काफी परेशान किया, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से ज्यादा वो था, वो मेरी शादी लगवा रहे थे, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। कौन जाने ऐसी स्थिति में क्या करती होंगी ये लड़कियां जब उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध घर की चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है। रो के बैठ जाती होंगी या अपनी किस्मत को कोस लेती होंगी या परिवार के थोपे गए लड़के के साथ शादी करके ससुराल चली जाती होंगी, खाना बनाना सीख लेती होंगी, रोटियां और गोल कैसे बनाए ये अनुसंधान करती होंगी। लेकिन प्रिया को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सोने नहीं देता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं घर छोड़ के भागूं। धीरे धीरे मैं एक एक सामान देती रहती थी कि किसी बहाने से अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती थी और उसके यहाँ सामान रखवा देती थी। किसी भी तरह करके मैं बाहर निकली। अब बाहर निकलने के बाद मैं हैंडपंप पे गई और बस मुंह धुली बस मैं वहां से निकल गई। उसको पता नहीं था कि वो कहां जाएगी। सोनभद्र से बनारस चली गई, फिर दिल्ली की बस पकड़ ली। लोगों ने कहा किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। बड़ी कमाल की होती हैं ये भागने वाली लड़कियां। आप हम रोज उनके सामने एक दीवार चुन देते हैं और वो रोज उस दीवार को फान जाती हैं। और प्रिया उसे तो और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उसके सामने एवरेस्ट था। ये महज बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं था, ये उसकी जिंदगी का, उसकी उम्मीदों का, उसके ख्वाबों का एवरेस्ट था। प्रिया के जुनून के आगे मुश्किलें हारती चली गईं। फिर कुछ शुभचिंतक, कुछ मददगार मिले और प्रिया माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चली गई। अपने सपने की ओर धीरे धीरे चढ़ते हुए प्रिया अब हिमालय पर एडवांस ट्रेनिंग भी करके आ गई है। मैं नहीं जानता कि प्रिया एवरेस्ट चढ़ पाएगी या नहीं। शायद अब मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है भी नहीं। अपने जीवन का एवरेस्ट वो बहुत पहले चढ़ चुकी, लेकिन प्रिया के लिए आज भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उसे हिम्मत चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो मुझसे संपर्क करिएगा। हो सकता है कि आप प्रिया की जिंदगी बदल पाएं। कौन जाने इनमें से कितने लोग अपनी अपनी जिंदगियों में खामोशी से ऐसी असंभव लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली बार इन आंखों में झांकिएगा, रुक के बातें करिएगा, इन अनजान लोगों की थोड़ी इज्जत कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास ही हैं। मैं अपने सफर पे फिर चल पड़ा हूं, न जाने किस नई मंजिल की तरफ। भटकना चाहता हूं, हिंदुस्तान को नए सिरे से सीखना चाहता हूं। चल पड़ा फिर से, न जाने क्या ढूंढता है ये स्टोरी टेलर।